धार जिले के पीथमपुर में असंगठित कामगार कांग्रेस ने अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर सामूहिक विवाह का आयोजन संपन्न कराया। जिला अध्यक्ष विनोद पवार ने 21 जोड़ों का विवाह कामगार कांग्रेस के बैनर तले हिंदू रीति रिवाज से करवाया। वहीं इस विवाहिक कार्यक्रम के दौरान लगभग 4000 लोग इस समारोह में शामिल हुए। कार्यक्रम का आयोजन बोकनेश्वर महादेव मंदिर परिसर में कर धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ सभी 21 जोड़ों की शादी कराई गई। कुछ दिन पहले नगरपालिका परिषद ने 3 मई को मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह योजना के तहत होने वाले सम्मेलन को तारीख आगे बढ़ाने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद असंगठित कामगार कांग्रेस के विनोद पवार ने उन जोड़ों का विवाह करवाना तय किया जिनके 3 मई के आमंत्रण जा चुके थे एवं वर वधु की हल्दी लग चुकी थी। विवाह हेतु बेटियों कन्यादान स्वरूप मंगलसूत्र एवं गृहस्थी के बर्तन दिए गए। वहीं कार्यक्रम में प्रदेश उपाध्यक्ष आशुतोष बिसेन, कुलदीप सिंह बुंदेला, अंतर सिंह दरबार, कैलाश सागर व कांग्रेस कार्यकर्ता व नेता मौजूद रहे। वह सभी अतिथियों ने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया। पीथमपुर से संजय सोनग्रा की रिपोर्ट। बताया आज जो है सामूहिक विवाह सम्मेलन समारोह रखा है, क्या है पूरा कार्यक्रम? विवाह सम्मेलन सर पिछले 2 महीने से नगर प्रशासन और बीजेपी सरकार के द्वारा एक अनाउंस किया जा रहा था। चंदा मामा से प्यारा हमारा मामा शिवराज मामा का विवाह सम्मेलन का मुख्यमंत्री विवाह सम्मेलन की घोषणा की थी, जिसमें 70 जोड़ों ने अपना नाम पंजीयन करा था और ऐन वक्त पे सभी परिवारों ने पत्रिका छाप दी, पत्रिका पढ़ के लगन कर दिया, लगन कार्ड निकाल दिया, उसके बाद ऐन वक्त पे इन्होंने कैंसिल कर दिया। तो हम लोगों ने असंगठित कामगार कांग्रेस के पूरे परिवार ने विनोद पवार, कमल पटेल, कमल चौधरी, पप्पू पटेल, हम सभी साथी, पूरे कांग्रेस परिवार ने भिड़ा उठाया कि जिन लोगों ने पत्रिका छपी बटी उनका सबका विवाह हम लोग संपन्न कराएंगे और जिन लोगों ने इन लोगों के साथ धोखाधड़ी करी उनके खिलाफ भी हम लोग एक्शन लेंगे। आपका नाम? डॉक्टर हेमंत कुमार, मध्य प्रदेश उपाध्यक्ष असंगठित कामगार एवं कर्मचारी कांग्रेस। कांग्रेस ने सामूहिक विवाह का बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया है, इस विषय में आपकी जिला विनोद भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे पत्रकार सरकार के सरकार जहाँ अपने बड़े बड़े वादे करने के बाद फेल हो गई, जो कन्यादान नहीं कर सकती है, तो तमाम तरह की उसमें बाधाएं उत्पन्न की है। ऐसे में जब हमारे युवा लोग आगे आकर के आज 21 जोड़े, बहुत बड़ी बात है, 21 जोड़ों का दान, 21 जोड़ों का दहेज होने बहुत बड़ी एक मिसाल पेश होगी और ये एक छोटी सी जानकारी पूरे प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान के लिए घातक सिद्ध है। जो बड़े बड़े वादे करते हैं गरीब लोगों के लिए, उनकी कथनी और कन्ने में जमीन आसमान का अंतर, यह आज के सामने आ दिखाएगा। बहुत ही कम समय में विनोद पवार ने अपना अच्छा खासा नाम वर्चस्व कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने में लगाया। एक खासियत होती है जिसमें जज्बा होता है, जिसमें काम करने की लगन होती है, जो उद्दार होता है वही व्यक्ति इस प्रकार के काम कर सकता है। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।